आज हम टॉर्सो फाउंडेशन का स्टिचिंग देखते हैं किस तरह से स्टिचिंग किया था। सबसे पहले हमने इसको कट किया था फ्रंट और बैक को, हमने इसका नेक नहीं काटा था। आपको नेक नहीं काटना, नेक काटेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हमने एक फ्यूजिंग में 8x8 का आप एक जितना भी गला आपको मेजरमेंट करना उसके अकॉर्डिंग आप एक फ्यूजिंग फालतू में इसको रख करके चिपका लीजिए। उसके बाद नेक सेंटर नेक से आप सेंटर से फ्रंट से 4 इंच 3.5 इंच 3 इंच आपको ये मेज़र करना है, और डीप में आपको जितना रखना है 4 इंच 5 इंच 6 इंच यहाँ से भी इसे क्रॉस मेजर कर सकते हैं और इस पर ड्रॉ कर लेंगे नेक का। हमने सिंपली राउंड नेक ड्रॉ किया है। उसके बाद आपको ट्रेसिंग बिल से इस साइड भी आपको निशान उठा लेना है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर चौड़ा इसको इक्वल हम काट लेंगे राउंड शेप में। इस तरह से काटने के बाद इसको एजेज को फिनिश कर लेंगे। सबसे पहले 1/4 ऐसे फोल्ड करके आपको स्टिच कर लेंगे। जिससे नीचे की रो एज होगी वो फिनिश हो जाएगी हमारी दे नहीं। ये रो एज फिनिश हो गया। उसके बाद फ्रंट पैनल को ये हमारा सीधा है, इसको सीधे की साइड से रख करके, और ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से इसकी सेंटर लाइन जो है इसको मिला करके स्टिच कर देना है। ये इसलिए स्टिच करते हैं कि सेंटर से जो नेक एक तरफ ज़्यादा ना हो एक तरफ कम ना हो, तो इसलिए दोनों मिला करके स्टिच करते हैं, दोनों सेम साइड नेक बने राउंड। इसके बाद जो निशान हम लगा रहे हैं उस पर इसको स्टिच हमें करना है। इस साइड में ऐसे आपको स्टिच कर देना है। उसके बाद आपको इस सिलाई से 1/4 आपको सिम दे करके इसको कट करना है। 1/4 सिम अलाउंस दे करके इस तरह से कट कर देना है। पिछले सेमेस्टर में नेक फिनिश करने के लिए तरीका बताया गया था, उसमें से कोई से भी तरीका अपना सकते हो। बोक्रम से अपना सकते हो, फ्यूजिंग से अपना सकते हो, 22 बेंडिंग से भी इसको फिनिश कर सकते हैं। लेकिन 22 बेंडिंग आपका राउंड नेक लाइन होगा तब भी वो फिनिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसमें फ्यूजिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा या बोक्रम यूज करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब चाहो तो इसको अंदर करके एजेज पर भी सिलाई रख सकते हो। अगर ऊपर एजेज सिलाई नहीं दिखानी तो इसको सीम को, ये सीम को फैसिंग की तरह रख करके एजेज पर स्टिच करना आपको। इसके बाद आपको इसको प्रेस से इस तरह से बैठा देना। प्रेस से बैठने के बाद इस तरह से गला आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही बैक का भी फिनिश करना है आपको। हमने बैक का इसमें कम नेक मेजरमेंट रखा है, डीप कम रखा है। जो फुल शोल्डर बनाना है उसमें डीप कम ही रखना आपको। अगर ज़्यादा डीप रखना है तो फिर शोल्डर हमें कम करना पड़ेगा। अगले जो ड्रेसेस होगी उसमें आपको बताया किस तरह से एक्सटेंड करके इसमें शोल्डर कम करेंगे, तो इसको भी सेम वैसे ही फिनिश करेंगे। पहले बाहर की एजेस फिनिश कर लेंगे। इसको भी सेम वैसे ही स्टिच करके नेक बनानी। ये हमारा सीधा है, ये सेंटर लाइन है,
इसको भी सेंटर लाइन से सेंटर मिला लेंगे और इसको स्टिच कर, जहाँ तक ये निशान नेक लाइन का है वहाँ तक स्टिच सीधा स्टिच करें, उसके बाद राउंड में स्टिच कर दें। जिसका शोल्डर अगर हम पूरा लेते हैं तो उसमें गला डीप आपको कम रखना है। गला अगर ज़्यादा डीप रखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, शोल्डर से हमारा गिरने लगेगा, इसलिए कम से कम नेक रखना है जिसमें सर आ जाए। अगर ज़्यादा फिटेड रखना है तो सेंटर में ओपन भी कर सकते हैं, बैक में सेंटर में जिपर दे सकते हैं, जिसे कॉलर होता है तो उसके लिए सेंटर में ओपन हमें करना पड़ता है। सेम इसको भी कट करके तो इसको पलटने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा जगह पर कट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पलटेगा नहीं, इसलिए इसको बीच बीच में सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा फैब्रिक कटना। और इसको भी प्रेस ला करके बैठा लें, अब इसको हम प्रेस से बैठा देते हैं। किस तरह से प्रेस से बैठाएंगे, इसको उल्टे साइड करके और जहाँ से स्टिच हुआ है ना वहीं से टर्न हो जाएगा, अब इसको प्रेस से बैठा दें तो थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। इस तरह से प्रेस से बैठाने के बाद जो ये बाहर के निकल रहा है इसको हम कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। इसके बाद बैक में बैठा लेते हैं, इस पर भी जैसे फ्रंट में हमने एजेस पर लगाया था, इससे एजेस पर लगाने पर क्या होता है कि स्टिच बैठ जाती है, तो इस पर भी एजेस पर लगा करके उसके बाद इसको प्रेस बैठाएंगे। दो चीज़ आती है, या तो एक टॉप अप लगते हैं, एक या अंदर की साइड लगती है, तो ज़्यादातर अंदर की साइड जो स्टिच नहीं दिखती है। इस तरह से इसको भी कट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम शोल्डर और बाजू में पाइपिंग से लगाएंगे और उसके बाद साइड और बॉटम।